हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकृति क्रिएशन आशा की ओर। फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बैग या पर्स कह सकते हैं या पोटली बैग कह सकते हैं, वो शेयर कर रही हूँ। शादियों के पर्पज़ से ये न्यूली वेडेड को जैसे शगन वगैरह दिया जाता है या शगन होता है शादियों में, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है वेलवेट का मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक, दोनों ही हमें लेने हैं 9x12 इंचेस के। आप साइज़ को थोड़ा बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गोल्डन फैब्रिक लेना है 5x9 इंचेस का। बिल्कुल सेम एक जैसे दो सेट हमें बनाने हैं, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। तो सेम साइज़ के हम दो दो पीसेस सब चीज़ों के कट कर लेंगे। कुछ फैंसी लेसेस चाहिए और डोरी लगभग 1.5 मीटर। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत सी लेस मिली है मार्केट से, तो आप इस तरीके की लेस ले सकते हैं या कोई भी एक गोल्डन टच पे ले सकते हैं लेस चौड़ी वाली। और उसको कट करके हमने इसको सबसे पहले इस पे स्टिच करना है वेलवेट क्लोथ पे। जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आप लेसेस वगैरह सेट करके लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बॉर्डर पे मैं लगा रही हूँ ये एक और लेस। आप गोटा यूज़ कर सकते हैं चौड़ाई वाला, या फिर कोई भी अपनी कंट्रास्ट फैब्रिक्स या किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमने गोल्डन कलर का पीस लिया था, इससे हम इसका अपर पार्ट बनाएंगे। तो उसको इस तरह से डबल करना है और इस तरह से इसके ऊपर रखना है। और इसके ऊपर हम रखेंगे लाइनिंग वाला फैब्रिक। ये देखिए, इस तरह से हमें तीनों चीज़ों को रखना है और स्टिच करना है। तो थोड़ा सा पहले इसको पिनअप कर लेते हैं। अब हम इस पर सीधी स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इसको अब हम पलटेंगे तो ये इस तरह से हमारा बीच में आ जाएगी गोल्डन वाला फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक पीछे आ जाएगा। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये वाला फैब्रिक काफ़ी पतला होता है, तो मैं इसलिए इस तरीके से डबल फोल्ड इसे कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको रख के सेट करना है और ऊपर एक मशीन चला देनी है, जिससे कि अच्छे तरीके से हमारा ये ऊपर की तरफ गोल्डन पीस आ जाए। ये देखिए, अब हमें इसमें एक नेफे जैसा बनाना है, जिससे कि हम उसमें से डोरी पास करवाएं। तो मैंने चौक से देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर ली है। अब इसी पर हम मशीन चला देंगे तो एक नेफा की तरीके से ये इसमें तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये स्टिच हो गई है और ये एक डोरी इंसर्ट करने के लिए नेफा बन गया। अब हमें दो सेट बिल्कुल एक ही तरीके से बनाने हैं, तो दोनों सेट हमने तैयार कर लिए हैं सेम प्रोसेसिंग के साथ। अब हम जो इसका अस्तर वाला पार्ट है वो भी इसके साथ में स्टिच कर देंगे। बहुत ही इजी है। और ये देखिए, इस तरीके से हमने अब दोनों पीसेज में अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम दोनों को एक के ऊपर एक रख करके पिनअप करेंगे, अच्छी तरीके से सेट करेंगे, जिससे कि हमारे सारी चीज़ें लेस है और गोल्डन जो हमने ऊपर
बॉर्डर दिया है वो सब कुछ एक जैसा दोनों तरफ आए, तो ध्यान रखते हुए थोड़ा सा हम इसको सेट करते हुए पिनअप करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से हमने पिनअप कर लिया। अब हम इसके तीनों तरफ मशीन चला देंगे। बहुत ही बढ़िया रहते हैं ये छोटे छोटे से, आप किसी को भी रिटर्न गिफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और या फिर जैसे शगुन के जो काम होते हैं शादियों में, उसके लिए ये बैग बनाए जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा जो बैग का मेन पार्ट है वो हमारा तैयार हो गया, और बिल्कुल ईजीली देखिए काफ़ी मजबूत ये बन गया है क्योंकि हमने इसमें अस्तर का भी प्रयोग किया है। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से ये हो गया। कॉर्नर्स वगैरह हम अच्छे से इसके बाहर निकालेंगे। ये देखिए लेस भी हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे। तो ये जो हमने नेफा बनाया था इसी में हमें डोरी को इंसर्ट करना है। तो डोरी को हम पहले दो भागों में डिवाइड करेंगे क्योंकि दो डोरियां हमें इसमें डालनी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हम कट लगा देंगे साइड में और वहीं से हम इस डोरी को इंसर्ट करेंगे। पोटली बैग की तरह इसमें हम डोरी डाल रहे हैं। ये देखिए एक तरफ से स्टार्ट करते हुए हम इसी नेफे में डोरी को इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड पर भी कट से बाहर निकालेंगे और फिर यही तरीके से बैक साइड में भी हम डोरी को पास करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम डोरी को बाहर निकालेंगे। तो ये एक डोरी हमने इसमें डाल दी है। अब अपोजिट साइड से भी वही सेम प्रोसेस हमें करना है। यहाँ से इस कट से बाहर निकालते हुए डोरी को दूसरे कट में डायरेक्ट लेके जाना है और दूसरी साइड से इसके दोनों छोरों को निकाल लेना है। ये देखिए अब हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो ये हमारी डोरियाँ अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी। एंड में मैंने इन जो डोरियों के जो छोर हैं उनमें थोड़े से फुंदने लगा दिए हैं इस तरह से लटकन तरीके से। तो ये इस तरीके से देखिए पूरा रेडी हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है क्योंकि इसमें जो लेस में लिखा हुआ है ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड जो है इसमें कि सदा सौभाग्यवती भवा, तो एक बहुत ही अच्छा सा मीनिंग इसका भी आ रहा है। आप चाहें तो सिंपल लेसेस लेकर के बना सकते हैं या फिर इस तरीके की लेस को परचेज करके इस तरीके का बैग तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगली वीडियोस में तो मिलते रहेंगे नए नए आइडियाज़ के साथ। चलिए तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।